नमस्कार दोस्तों रे एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग संघ की कार्यपालिका के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी राष्ट्रपति पर क्लास में चर्चा कर चुके हैं इसके विभिन्न प्रकार के कार्य उसकी नियुक्ति उसके आपातकालीन और सामान्य शक्तियों पर हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है और अब हम उस पर आधारित विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को हल कर रहे हैं जिससे आपको उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्यात्मक क्वेश्चन के बारे में भी अच्छी जानकारी हो जाए और आपको परीक्षा में ऐसे सवालों को हल करने में आसानी हो तो हम लोग एक एक करके इन सवालों को देखते हैं पहला सवाल है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है निश्चित तौर पर यह सही है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद तिरपन में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी और अगला वाक्य है जिसे कारण के रूप में कहा जाता है कि राष्ट्रपति की शक्तियों पर कोई सीमा नहीं है यह वाक्य गलत है क्योंकि अनुच्छेद तिरपन में ही का में ये कहा गया है जहाँ पर कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी वहीं पर यह कहा गया है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा तो निश्चित राष्ट्रपति पर भी संविधान की सीमाएं हैं अतः वाक्य एक सही है और दो वाक्य गलत है अर्थात इसका उत्तर विकल्प सी होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है प्रत्यक्ष रूप से गलत है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है यद्यपि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं लेकिन इसकी प्रक्रिया पूछा गया किस प्रकार होता है तो यह अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन किया जाता है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है और एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बनता है अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है जैसा कि पिछले वाले सवाल में भी इसका आंसर है तो अर्थात ये वाक्य सही है और दूसरा इसका निर्वाचक मंडल की भी व्यवस्था होती है संसद के दोनों सदनों और राज्य की केवल विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल होते हैं अर्थात ये भी सही है अर्थात इसमें एक सही है वाक्य ए सही है और बी उसका व्याख्या भी करता है अर्थात इस तरीके से वाक्य सही भी है और उसका व्याख्या भी सही है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा जैसा कि आपको बताया गया है कि अनुच्छेद पचपन में निर्वाचन की प्रणाली बताई गई है प्रक्रिया बताई गई कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अर्थात यहाँ पर विकल्प बी इसका सही उत्तर होता है आनुपातिक मत नहीं है बल्कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है अर्थात यहाँ पर विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये गलत है क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि राज्य विधानसभा केवल विधानमंडल के केवल विधानसभा के, के, के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं अगला है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं सही है दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं क्योंकि सत्रहवें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसकी व्यवस्था की गई है कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे अर्थात वाक्य संख्या एक तीन और चार तो इस तरीके से विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा हमें एक चीज़ हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि प्रश्न को पूरा पढ़ें और सभी विकल्पों को पढ़ें क्योंकि ऐसा ना करने पर हम हो सकता है कूट में एक वाक्य को छोड़ दें और उसी के कारण से हमारा उत्तर गलत हो जाए तो ये परीक्षा की अब मांग है आपकी गंभीरता का परिचायक है विभिन्न प्रकार के आयोग और विभिन्न प्रकार के कंडक्टिंग बॉडी आपके इस धैर्य का भी परीक्षण करते हैं और आपकी इस समझ का भी टेस्ट लेते हैं कि आप कितना धैर्य रखते हैं प्रश्नों को पढ़ने में उसके विकल्पों को पढ़ने में विकल्पों के क्रम को सेट करने में तो निश्चित तौर पर न केवल परीक्षा के लिए किताबों को पढ़ना जरूरी है बल्कि किताबों को पढ़ने के बाद विकल्प को हल करने के दौरान आपके धैर्य की परीक्षा भी आपके उस पद की योग्यता के रूप में देखी जाती है जिसे आपको परीक्षा के दौरान देखना समझना और पेपर में उतारना होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है पदस्थ राष्ट्रपति की बदावत से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए सही है राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष तक बना रहेगा सही है राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर वो अपने पद पर बना रहेगा सही है निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जाएगा ये पूरी तरीके से गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में अपने डिसीजन में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी एक या एक से अधिक राज्यों के विधानसभाएँ भंग हैं तो इस आधार पर कार्यकाल पूरा होने के बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन को रोका नहीं जा सकता है क्योंकि उस दौरान पूरे देश के विधानसभा और संसद के सदस्यों को ध्यान में रखते हुए वहां पर राष्ट्रपति के निर्वाचन को संपन्न कराया जा सकता है अर्थात इसका यहां पर नहीं पूछा गया है और यहां पर ये वाक्य गलत है तो अर्थात यह विकल्प यहां पर सही होगा हमेशा ध्यान में रखना है अगर यहां पर नहीं है तो हमें गलत वाक्य को खोजना है वही उसका उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए दस बीस पचास पंद्रह बेसिकली यहाँ पर यह सवाल पूर्व में बनता था जबकि उसके प्रस्तावक और अनुसमर्थकों की संख्या कम होती थी खैर वर्तमान समय में इसके अनुसमर्थक और प्रस्तावों की संख्या बदल दी गई है क्योंकि ऐसा सवाल पूछा जाता है और भविष्य में भी पूछा जाएगा तो इसलिए वर्तमान समय की जो व्यवस्था है उससे आपको परिचित करवाना यहाँ पर आवश्यक है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये यह जान लेना आवश्यक है कि किसी भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए व्यक्ति को कम से कम पचास सदस्यों के प्रस्तावक पचास सदस्यों के अनुसमर्थक इन दोनों की जो है ज़रूरत होती है पचास अनुसमर्थक और पचास प्रस्तावक होनी चाहिए अगला सवाल नहीं है लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यवस्था और प्रक्रिया का भाग है जिसे हम जान लेंगे कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मूल्य और संसद के निर्वाचित सदस्यों का मूल्य क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल जो होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मूल्य होता है तो इन दोनों लोगों के मूल्य को देख लेना आवश्यक है यहाँ पर एक और बात को स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का जो मूल्य होता है उन सभी मूल्यों के बराबर ही मूल्य सभी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का भी मूल्य होगा ऐसा इसलिए किया गया है ताकि केंद्र और राज्य और संघ की जो है व्यवस्था में एक समानता को स्थापित किया जाना संभव हो सके तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है वहाँ की संपूर्ण जनसंख्या वहां की राज्य की संपूर्ण जनसंख्या को वहां के विधानसभा की, की सदस्य संख्या से भाग दे देंगे और जो परिणाम आएगा उसको पुनः जो है एक हजार से भाग दे दिया जाएगा आप यहाँ पर यह भी संभावना बनती है कि वहां पे कुछ शेष आएगा यदि शेष पांच सौ पांच सौ से अधिक है तो उसे एक मान लिया जाएगा यदि इससे कम है तो उसे नगर मान लिया जाएगा और इस आधार पर उस राज्य के सभी विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य हो जाएगा इसी आधार पर एक एक करके सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का मूल्य निकाला जाएगा और अंत में सभी राज्यों के विधानसभाओं के मतों के मूल्य को जोड़ा जाएगा और उसे संसद के निर्वाचित संसद सदस्यों से भाग दे दिया जाएगा और जो आएगा वह एक संसद सदस्य के मत का मूल्य होगा तो इस तरीके से इस तरीके से राज्य की विधानसभाओं और संसद के सदस्यों के मतों का मूल्य आ जाएगा और उनके द्वारा दिए गए वोटों के आधार पर प्रत्येक उम्मीदवार के मतों की गणना की जाएगी और इस आधार पर एक निश्चित मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद के रूप में चुन लिया जाएगा तो यह व्यवस्था थी राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए जिसमें राज्य की जनसंख्या से विधानसभा की सदस्य संख्या को भाग दिया जाएगा और पुनः जो आएगा उसे एक से भाग देकर के विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य और समस्त राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के मतों के मूल्य को निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देकर के संसद के सदस्यों के मतों का मूल्य निकाला जाएगा तो इस तरीके से ये थी मतों के मूल्य की गणना अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्र राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह प्रत्याशी है ऐसा नहीं है प्रत्याशी होगा तो भी वोट दे सकता है और दूसरा उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना से इसको कोई बात नहीं तब भी कर सकता है राष्ट्रपति के निर्वाचन से उसका कोई अर्थ और ताल्लुकात नहीं है वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो ये नहीं होगा क्योंकि राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का मतलब विधान परिषद होता है और विधान परिषद का अगर कोई सदस्य है मुख्यमंत्री तो वह उस रूप में यानी कि विधान परिषद के सदस्य के रूप में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में भाग नहीं हो ले सकता यहाँ पर नहीं पूछा है और यहाँ पर ये वाक्य गलत है अर्थात उत्तर इसका सी हो जाएगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है पैंतीस वर्ष यह आवश्यक है पढ़ा लिखा हो ये कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना है और इस आधार पर इस आधार पर वो इसी पढ़ा लिखा को ही इसका सही उत्तर माना जा सकता है क्योंकि भारत में राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है भारत के सर्वोच्च पद के लिए एक लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखते इस तरीके के शर्तें रखी गई हैं इस तरीके से योग्यता रखी गई है ताकि वह व्यक्ति उस पद के लिए चुना जा सके हालांकि यहाँ पर विकल्प संख्या तीन सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो यह वाक्य भी अपने आप में गलत है क्योंकि कूट नहीं है इसलिए हम एक ऐसे विकल्प की तलाश करेंगे जो एक स्पष्ट उत्तर बनाता हो क्योंकि सांसद चुने जाने की योग्यता का तात्पर्य हो गया कि वह लोकसभा और इसी तरीके से राज्यसभा इन दोनों की बातें हो जाती हैं जबकि राष्ट्रपति पद, पद के उम्मीदवार को केवल लोकसभा के सदस्य और लोकसभा की सदस्यता के लिए योग्यता की जो आवश्यकता होती है उसी की आवश्यकता होती है अर्थात तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो यह भी वाक्य गलत होगा लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इस प्रश्न में कूट की व्यवस्था नहीं है अन्यथा बी और सी दोनों सही होता लेकिन चूंकि यहाँ पर कूट नहीं है और एक ही विकल्प सही हो सकता है इसलिए हम एक ऐसे विकल्प की तलाश करेंगे जो स्पष्ट रूप से इसका उत्तर बनता है और वह है विकल्प बी अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उसे भारत का जन्म होना चाहिए निश्चित तौर पर, पर नहीं क्योंकि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए कोई जरूरी नहीं कि भारत का जन्म हो हालांकि यह व्यवस्था अमेरिका में नहीं है अमेरिका में इस उसका जन्म लेना भी आवश्यक है लेकिन हम भारत के संदर्भ में देख रहे हैं तो अर्थात ये वाक्य गलत है उसे पैंतीस वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए यह वाक्य सही है उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए अब चूंकि यहाँ पर कूट दिया है तो यहाँ पर भी ये वाक्य गलत हो जाएगा क्योंकि उसे संसद का सदस्य नहीं बल्कि उसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना चाहिए और संसद कह देने पर उसे राज्यसभा और उसे लोकसभा इन दोनों ही सदस्यों के निर्वाचित होने की योग्यता होने की बात सिद्ध होती है अर्थात इसमें केवल दो सही होगा इसमें केवल दो सही होगा कहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में कौन सा कथन सही है विचार कीजिए इनमें से केवल दो सही होगा एक और तीन दोनों ही वाक्य गलत है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन निर्वाचित हो सकता है परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता त्याग देना होगा ऐसी कोई जरूरी नहीं है अपने निर्वाचन से छः माह के अंदर सदस्यता छोड़नी होगी गलत निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी यही सत्य है और चुनाव लड़ने से पूर्व इसलिए नहीं आवश्यक है क्योंकि हो सकता है कि यदि वह उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हार जाता है तो उसे अपने सदन की सदस्यता को भी खो देनी पड़ेगी ऐसी स्थिति में उसे तब तक के लिए पद बनाए रखने की छूट है जब तक कि वह चुनाव का परिणाम नहीं आ जाता और वह राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया नहीं जाता यदि राष्ट्रपति के रूप में वह चुन लिया जाता है तो निश्चित तौर पर उसे तत्काल उस सदन में जिस भी सदन में वो सदस्य वहाँ की सदस्यता उसे छोड़नी पड़ेगी हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित होने की योग्यताएं निर्धारित करता है इसको हम जब लेक्चर लिए थे तो वहां पर स्पष्ट रूप से बताए थे कि अनुच्छेद छप्पन के अंतर्गत राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कहेगी जिसमें उसका कार्यकाल पद धारण करने के बाद जो है पाँच वर्ष तक बना रहता है हालाँकि इसके पूर्व वो त्यागपत्र दे सकता है और इसके पूर्व में उसे साबित उसे हटाया भी जा सकता है अनुच्छेद इकसठ के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से लेकिन अनुच्छेद सत्तावन में यह बात बताया गया है कि भारत में राष्ट्रपति के लिए कितनी बार उसे आ, चुना जा सकता है उसका निर्वाचन हो सकता है इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार की सीमाएं नहीं लगाई गई हैं अर्थात अनुच्छेद सत्तावन यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उसे यहाँ पर यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके विवाद को केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसे चैलेंज किया जा सकता है अनुच्छेद इकहत्तर के अंतर्गत इस तरीके की व्यवस्था की गई है जिसे लेक्चर के दौरान हम लोगों ने पढ़ाया था अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं तो डेफिनेटली ये तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपते हैं तो ये अपने आप में इसका उत्तर है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा गलत लोकसभा के द्वारा आ, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा संसद के द्वारा हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है क्योंकि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अपने कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत से इसे पारित करना होगा जिसे महाभियोग कहा जाता है जिसका वर्णन अनुच्छेद इकसठ के अंतर्गत किया गया है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद इकसठ के अंतर्गत इसको अभी हमने ऊपर देखा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व में इसकी सूचना देनी होगी तो इसको हम लेक्चर के समय बताए थे इसे चौदह दिन पूर्व ही सूचना देनी होगी अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का भाग नहीं तो निश्चित तौर पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों के द्वारा पृथक पृथक विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है लेकिन उसमें राज्य की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं राज्यों की विधानसभाएं उसमें भाग नहीं लेती हैं तो इस तरीके से नहीं है और जो नहीं है वही इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया बेसिकली अर्ध न्यायिक जो है प्रक्रिया है ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए निश्चित तौर पर अगर वह रिक्त होता है तो छः माह के अंतर्गत भर लिया जाना चाहिए इसके संदर्भ में आप लोगों को एक समझ डेफिनेटली विकसित होना चाहिए कि भारत में जितने भी प्रकार के चुनाव की व्यवस्थाएं हैं वहां पर इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि वह कार्यकाल समाप्त होने के छः माह के अंतर्गत वहाँ पर चुनाव करवा लिया जाना चाहिए और उसी का अनुपालन करते हुए उसी प्रवृत्ति और ट्रेंड का यहाँ पर अनुपालन करते हुए राष्ट्रपति के रिक्त पद के लिए भी छ माह की व्यवस्थाएँ की गई हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस पद पर कौन कार्यभार ग्रहण करता है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कार्यभार ग्रहण उपराष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है पूर्व में ऐसा किया भी जा चुका है जिसे हम अगले सवाल में देखते हैं जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यदि भारत में राष्ट्रपति का रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यभार ग्रहण करता है तो उस समय भारत का उस समय भारत का सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसे ग्रहण किया जाता है उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करेगा इसकी कहानी को हम एक उदाहरण के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट करना चाहेंगे कि उन्नीस सौ उनहत्तर ईस्वी में उन्नीस सौ उनहत्तर ईस्वी में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जब उनकी मृत्यु हो गई तो उस वक्त बीबी गिरी राष्ट्रपति थे और वह उपराष्ट्रपति बन गए और यम हिदायतुल्ला वहाँ पर उपराष्ट्रपति बन गए लेकिन चूंकि उनहत्तर ईस्वी में पूरा जब निर्वाचन होना था राष्ट्रपति का तो निर्वाचन के समय बीबी गिरी के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का रिक्त हो गया और वहाँ पर यम हिदायतुल्ला जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वो राष्ट्रपति के पदभार को ग्रहण किए तो यहाँ पर कई बार ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है कि वह कौन सा न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया है तो इसका सही उत्तर है यम हिदायतुल्ला तो इस तरीके से हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जहाँ पर यह लिखा है कि भारत ka में कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं वहीं पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्यपालिका शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में निहित होता है लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ ये ध्यान में रखना होगा कि यदि यदि परीक्षा में वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछता है तो वहाँ पर उत्तर जो है प्रधानमंत्री के रूप में होगा इसलिए ऐसे सवालों के उत्तर को हल करने के दौरान आपको ध्यान में रखना होगा उसके इंग्लिश के वर्जन को भी ध्यान में रखना होगा जिससे स्पष्ट हो सके कि उस सवाल का उत्तर प्रधानमंत्री ही होगा यदि वहाँ पर नाम मात्र का या जो है आ... कार्य केवल कार्यपालिका अध्यक्ष पूछता है या केवल कार्यपालिका शक्तियाँ पूछता है तो वह औपचारिक रूप में राष्ट्रपति हो जाता है लेकिन जहाँ पर वास्तविक शक्तियों की बात होती है वहाँ पर उसका उत्तर प्रधानमंत्री ही होता है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि संविधान के, के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं तो इसके संदर्भ में पूर्व में ही हमने पहले सवाल में बता दिया कि अनुच्छेद तिरपन में संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं अगला सवाल है कि कार्यपालिका शक्तियाँ सरकार का व्यवसाय चलाने से व्यवसाय करने का तात्पर्य है कि कार्यपालिका के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं देश का संचालन किया जाता है उसी को व्यवसाय के रूप में बताया गया है वाक्य ये भी सही है वाक्य ये भी सही है लेकिन संघीय कार्यपालिका सकते हैं इसलिए राष्ट्रपति में नहीं निहित होती हैं कि वो कार्यपालिका व्यवसाय जो है वो सरकार होता है दोनों वाक्य अपने अपने में सही है लेकिन व्याख्या उसका नहीं करता स्पष्टीकरण नहीं करता है इसलिए बी विकल्प इसका जो है सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोर्ट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है जाहिर सी बात अभी इसके पूर्व में हम लोगों ने चर्चा किया कि जब कहीं पर भी लिखा रहेगा कि केवल इतना लिखा रहेगा कार्यपालिका शक्तियाँ प्रधान नहीं है तो वह औपचारिक रूप में राष्ट्रपति में नहीं होती लेकिन अगर यहाँ पर यह लिखा होता कि संघ की वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री में होता है तो ये वाक्य सही होता अर्थात पहला वाक्य इसमें गलत है हम दूसरे वाक्य की तरफ चलेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है निश्चित तौर पर यह वाक्य सही है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं ये भी सही है अनुच्छेद चौहत्तर के अंतर्गत कहा गया है कि संघ की एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा यानी कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधान मंत्री होगा ये बात अनुच्छेद चौहत्तर में कही गई है तो इस तरीके से ये वाक्य सही है अगला है कि यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो निश्चित तौर पर इस तरीके की कोई बाध्यता नहीं है बसरते इस तरीके की बात ज़रूर संविधान में कही गई है कि यदि ऐसा कोई सदस्य जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है और प्रधानमंत्री के रूप में उसे नियुक्त किया जाता है तो उसे छः माह के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा अर्थात ये भी वाक्य सही है तो हम ऐसे विकल्प की तरफ जाएंगे जिसमें दो तीन और चार सही हो विकल्प संख्या सी में इस तरीके की व्यवस्था है अर्थात यही वाक्य इसका सही उत्तर है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है यहाँ पर भारतीय गणतंत्र में गणतंत्र शब्द की जो है चर्चा कर लेना आवश्यक है तभी हम इसके उत्तर को सही रूप में दे पाएंगे यद्यपि इस सवाल का उत्तर राष्ट्रपति होता है लेकिन हम यहाँ पर गणतंत्र शब्द की व्याख्या देखना चाहेंगे क्योंकि गणतंत्र से तात्पर्य एक ऐसी राजनीतिक स्थिति से होता है एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था से होता है जिसमें उस देश का प्रमुख निर्वाचन की व्यवस्था से भरा जाता है वहाँ के सर्वोच्च पद निर्वाचन पर आधारित होता है और इसीलिए भारत को रिपब्लिक कहा जाता है लेकिन गणतंत्र कहा जाता है लेकिन अगर हम ब्रिटेन की व्यवस्था देखें तो वहाँ चूँकि राजवंशी व्यवस्था है और वहाँ का सम्राट और साम्राज्य वही होता है जो उस घराने का राजवंश का उत्तराधिकारी होता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ को गणतंत्र ना कह करके इसीलिए वहाँ जो है राजतंत्र की व्यवस्था स्थापित है जबकि भारत में सर्वोच्च पद जो है वो निर्वाचन के द्वारा भरा जाता है इसीलिए भारत की व्यवस्था को गणतंत्रीय शासन प्रणाली कहा जाता है और इसका उत्तर राष्ट्रपति होगा क्योंकि राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक एवं भारत का प्रथम नागरिक होता है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार है बेसिकली इसको हमने आप लोगों को बताया था कि चौवालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के माध्यम से ये व्यवस्था बदली गई जिसमें यह कहा गया कि चूंकि राष्ट्रपति देश का एक सर्वोच्च पद है वो देश का प्रथम नागरिक है और उसके लिए एक निश्चित निर्देशित व्यवस्था देना और उसका अनुपालन सुनिश्चित कर देना बाध्यता बना देना निश्चित तौर पर शोभा नहीं देता है अतः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी विधेयक को एक बार में सहमति नहीं दी गई तो वह उसे पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेजा जा सकता है यद्यप इसमें यह व्यवस्था की गई है यदि दोबारा संसद के द्वारा उसे संशोधन के साथ या संशोधन रहित स्थिति में भेजा जाता है तो दूसरी बार राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होना पड़ता है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है बेसिकली ये जान लीजिए कि जो भी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं वो कार्यपालिका के परामर्श के द्वारा किए जाते हैं तो कार्यपालिका का तात्पर्य यहाँ पर, पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात आती है और सही उत्तर इसका विकल्प सी होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत करता है निश्चित तौर पर ये आहूत करने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है एक सौ आठ के अंतर्गत जो भी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो इसलिए बुलाई जाती है क्योंकि किसी साधारण विधेयक पर यदि दोनों में असहमति हो तो उस स्थिति में उससे सहमत करने के लिए या उस विधेयक पर एक सहमति बनाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त आ, बैठक आहूत की जाती है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा इस्पीकर के द्वारा की जाती है लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि चूंकि लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक होती है ऐसी स्थिति में वह विधेयक लोकसभा के पक्ष में जाता है तो इस तरीके से एक 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की आहूत करने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है वह संसद का संगठक है निश्चित तौर पर भाग है वह संसद की दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता सही बात करता है ये ये वाक्य जो है सही है इसकी बैठक को संबोधित किया जाता है अगला है वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है यहाँ पर दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है वो चर्चा में भाग नहीं लेता है बल्कि वह उसे संदेश दे सकता है और उसके संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकता है लेकिन वो चर्चा में भाग नहीं लेता है अर्थात यहाँ पर बी विकल्प सही होगा लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि वाक्य संख्या चार यानी कि डी ये भी जिस तरीके से विकल्प को बनाया गया है ये विवाद पैदा करने की स्थिति करता है क्योंकि यहाँ पर किन्हीं शब्द को लिख करके विवाद पैदा किया जा सकता है क्योंकि वह किन्हीं परिस्थितियों में नहीं बल्कि केवल उन्हीं परिस्थितियों में जब संसद का सत्र न चल रहा हो तभी वह उसको बैठक को बुला सकता है ध्यान रहे कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद के द्वारा विधि बनाए जाने की शक्तियों के सम है किंतु वह संविधान संशोधन के संदर्भ में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है हालांकि लेक्चर के दौरान इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था अर्थात यहाँ पर जो स्थिति है वह स्पष्ट रूप से विकल्प संख्या बीस का सही उत्तर है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने बीटो की शक्ति का प्रयोग किया था बीटो की शक्ति का प्रयोग किया था और बीटो की शक्ति के संदर्भ में यह बताया गया है कि जब अनुच्छेद एक के अंतर्गत कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु तो भेजा जाता है तो उनके पास तीन विकल्प होते हैं या तो उस पर सहमति दे देते हैं या तो उसे पुनर्विचार हेतु तो पुनः सदन को वापस लौटा देते हैं या उसे ना तो सहमति देते हैं ना तो पुनर्विचार के लिए भेजते हैं बल्कि उसे अपने पास रख लेते हैं तो चूंकि अपने पास रख लेते हैं तो इसे माना जाता है उसे अपने पॉकेट में रख लेते हैं इसीलिए इसे जो है जे बी बी के नाम से भी जाना जाता है तो इस तरीके से भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने जे बी बी का प्रयोग किया था वो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इस तरीके की बातें कही गई थी अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति अभी पूर्व में हमने चर्चा ये किया कि जब एक सौ ग्यारह के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसके पास तीन विकल्प होता है अर्थात अनुच्छेद ग्यारह के अंतर्गत विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीसीएस ने भी 2004 2014 की परीक्षा में अपने यहां पे इसे डिजाइन किया क्वेश्चन को हम इस पर चर्चा करते हैं कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना नहीं होता है क्योंकि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति ध्यान रहे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है विधेयकों को आपत्तियों सहित वापस भेजना निश्चित तौर पर यह सही है क्योंकि ये सदन के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस मामले में अकेले होता है विधेयकों को रोक कर रखने के लिए तो निश्चित तौर पर विधेयकों को रोकने की भी बात यहाँ पर की जा सकती है जिस तरीके से विधेयकों को आपत्तियों सहित वापस भेजा जा सकता है उसी तरीके से विधेयकों को रोक कर भी रखा जा सकता है अगला क्वेश्चन है क्षमा प्रदान करना निश्चित तौर पर यह नहीं है क्योंकि क्षमा प्रदान करना जो भी राष्ट्रपति का कार्य होता है वह कार्य जो है वह कार्यपालिका के परामर्श के द्वारा किया जाता है अर्थात ये भी सही नहीं है संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना यह भी सही नहीं है क्योंकि परामर्श करता है संसद को संदेश भेजना यह है इसका स्वयं का अपना कार्य होता है अपना विवेक होता है अपना निर्णय होता है और न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कार्यपालिका के परामर्श पर किया जाता है तो यह गलत है वाक्य संख्या दो तीन और छ वाक्य संख्या दो तीन दो तीन और छ विकल्प संख्या ई इसमें सही उत्तर होगा तो इस तरीके से ऐसे सवालों को समझना पढ़ना बहुत ही आवश्यक है ऐसे सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है तो निश्चित तौर तो पर भी हम लोगों ने विधेयकों के संदर्भ में देखा कि विधेयकों की स्वीकृति या स्वीकृति विधेयकों को सदन में भेजना इससे संबंधित विषयों पर सलाह लेने की आवश्यकता उसको नहीं होता विकल्प भी यहाँ पर सही होगा अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जा सकता है और उस स्थिति में जब संसद के सत्र जो है चल ना रहे हों कोई तात्कालिक विषय आ गया हो जिस पे कानून बनाना आवश्यक हो तो इस स्थिति में वहाँ पर जारी किया जा सकता है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना चाहिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि ये छः सप्ताह के अंतर्गत उसे रखा जाना चाहिए अन्यथा वह आदेश जो है समाप्त माना जाएगा यहाँ पर एक और सवाल बनता है हालांकि वो इस कलेक्शन में शामिल नहीं हुआ है फिर भी हम उस पर चर्चा करते हैं क्योंकि वो महत्वपूर्ण है तकनीकी है आने वाले विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं या साक्षात्कार में सवाल पूछा जा सकता है इसलिए वहाँ पर चर्चा करना आवश्यक है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक लागू हो सकता है अधिकतम कितने समय तक रह सकता है तो इस पे यह ध्यान में रखना है कि चूंकि जब सत्र नहीं चलता है तभी अध्यादेश जारी किया जाता है और हम ये मान लेते हैं कि संसद का सत्र जैसे समाप्त होता है कानून की आवश्यकता पड़ जाती है तो यहाँ पर अगला सत्र जब होगा तो उसके बीच में छः माह का समय हो जाएगा और जब अगला सत्र होगा तो उसके छः सप्ताह के भीतर उसे रखा जाना आवश्यक होगा अर्थात छः माह और छः सप्ताह यानी कि छः माह और डेढ़ माह यानी कि साढ़े सात माह अधिकतम कोई भी अध्यादेश इस तरीके से साढ़े सात माह तक एक्टिव रह सकता है और उसके बाद उसे सदन के द्वारा कानून के रूप में अनुमोदित करना आवश्यक हो जाएगा तो इस तरीके से यह एक बहुत ही तकनीकी क्वेश्चन है जिसे आप लोगों को जानना आवश्यक है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्र द्वारा की जाती है वित्त आयोग के अध्यक्ष निश्चित तौर पर इसे किया जाता है योजना आयोग के उपाध्यक्ष इसे नहीं किया जाता संघ राज्य के मुख्यमंत्री इनकी भी नियुक्ति की जाती है योजना आयोग का उपाध्यक्ष कि इस समय योजना आयोग नहीं है उसके स्थान पर एक जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया है और नीति आयोग जिस तरीके से एक उसका स्वरूप था आ, संस्था का उसी तरीके से नीति आयोग है जैसे पहले पूर्व में योजना आयोग था जो कि थिंक टैंक के रूप में काम करता है देश की दीर्घकालिक नीतियों का निर्माण करता है और इस रूप में वो कार्यपालिका का सहयोग करता है तो चूंकि ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और ये संवैधानिक संस्था नहीं है इसलिए भी ये इसका तार्किक रूप से उत्तर बनता है क्योंकि जो भी संवैधानिक संगठन हैं जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है किंतु जो इस तरीके से संविधानितर संस्थाएं हैं वो कार्यपालिका से जुड़े हैं और योजना आयोग नीति आयोग और इसी तरीके से राष्ट्रीय विकास परिषद ये सभी संविधानितर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है सिस्टम्स हैं व्यवस्थाएँ हैं तो इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है इसलिए एक और तीन इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है भारत का महान्यायवादी निश्चित तौर पर अनुच्छेद छह छिहत्तर में इसके द्वारा किया जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के एक के अंतर्गत इसकी व्यवस्था है राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बना रहता है राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है अर्थात विकल्प संख्या डी इसका सही उत्तर होगा यानी कि उपरोक्त सभी इसमें उत्तर के रूप में सही माने जाएंगे अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है प्रधानमंत्री की करता है जाहिर सी बात है अनुच्छेद पचहत्तर में राज्यपाल की भी करता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की करता है उपराष्ट्रपति की नहीं करता है क्योंकि यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व एक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा इसका किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा जो नहीं है वो नहीं है विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है डेफिनेटली एक क्वेश्चन आर्टिकल संख्या एक है क्योंकि एक में राज्य कार्यपाल कार्यपालिका सकते हो अस्तार एक में एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट और अनुच्छेद तीन ये जो है वो लोक सेवाओं से, से संबंधित है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 160 ही इसका सही उत्तर बनता है अगले सवाल की तरफ हम लोग कुछ करते हैं कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता प्रधानमंत्री की नियुक्ति भाई देता ही है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति या नहीं देता है क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री की, की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद एक के अंतर्गत किया जाता है और राज्यपाल के द्वारा उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है जिसे उस राज्य में उस समय संपन्न विधानसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है और अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो सामान्यतः विधानसभा के में सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जिसे सामान्यतः एक माह का समय भी दिया जाता है कि उसके दौरान वो अपना बहुमत सिद्ध करे तो इस तरीके से विकल्प संख्या बी इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है और इसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि यदि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में कोई ऐसा विषय उत्पन्न हो जाता है जिसमें विधि या तथ्य का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है तो उस विषय पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श लिया जा सकता है हालांकि इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ऐसे विषयों पर मांगे गए परामर्श को देने के लिए बाध्य नहीं है और दूसरी तरफ तर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है यानी कि न तो उच्चतम न्यायालय परामर्श देने के लिए और न ही राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य है हालांकि विधिया तथ्य के विषय पर अगर कोई सार्वान प्रश्न अंतर निहित है और ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के राष्ट्रपति को कि उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से परामर्श लिया जाना आवश्यक है तो वह ऐसे विषयों को उच्चतम न्यायालय को परामर्श लेने के लिए भेज देता है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है यहाँ पर नहीं शब्द पूछा गया है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए अभी ये भी यहीं पर हमने बात किया तो ये निश्चित तौर पर यही वाक्य यहाँ पर गलत है क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है विकल्प संख्या ए सही होगा फिर भी हम और क्वेश्चन को देख लेंगे आपातकालीन शक्तियाँ आपातकालीन शक्तियाँ जाहिर सी बात है कि इसकी शक्तियों के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने की शक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या स्वीकार कर सकता है यह भी अपने आप में सही है अर्थात राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए यह है क्वेश्चन गलत है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है यह एक न्यायिक शक्ति है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान में रखना है यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है लेकिन वो एक कार्यपालिका शक्ति होती है वो कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आता है क्योंकि ऐसे नियुक्तियाँ वो कार्यपालिका या कैबिनेट के परामर्श से करता है यहाँ पर हम ऊपर वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं इसमें कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही है जिसे क्लियर कर लेना आवश्यक है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन एक सही नहीं है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए ये वाक्य गलत है लेकिन यहाँ पर सी वाले विकल्प में भी समस्याएं हैं क्योंकि राज्यों में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं बल्कि वो संसद में होता है और संसद के द्वारा उसे समय समय पर अनुमोदित करते हुए उसके अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है अर्थात यहाँ पर ए और सी दोनों ही वाक्य गलत प्रतीत होते हैं लेकिन यहाँ पर एक बात की संभावनाएँ और बनती हैं कि पहले वाक्य में अगर ये लिखा है कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार नहीं करना चाहिए खैर ये भी अपने वाक्य अपने स्तर पर यह भी वाक्य गलत हो जाएगा क्योंकि वो स्वीकार कर भी सकता है और स्वीकार नहीं भी कर सकता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर दो विकल्प की स्थिति बनती है आपको जानना आवश्यक है और जिस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वैसे भी आपको इसके उत्तर को देना होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति न्यायिक शक्ति है इसको हम लोगों ने देख लिया अगला है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा करे अधिकार तो ये प्राप्ति है क्षमा कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए आपातकाल की घोषणा करें अध्यादेश जारी करें न्यायाधीशों को हटाने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि न्यायाधीशों को साबित कदाचारी एवं अक्षमता के आधार पर अनुच्छेद एक फोर अंतर्गत, के अंतर्गत अनुच्छेद एक सौ चौबीस के खंड चार के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के द्वारा अपने विशेष बहुमत से हटाए जाने की व्यवस्था की गई है जिस पर राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर उसी सत्र में कर दिया जाता है अर्थात यही विकल्प बी वाक्य दो इसका गलत होगा और यही जो गलत होगा यही इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं वास्तविक और लोकप्रिय नहीं क्योंकि वास्तविक शक्तियाँ इन्हें न प्राप्त होकर के प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को प्राप्त है औपचारिक और विधिक ये वाक्य सही है क्योंकि इसमें औपचारिक रूप से होता राजनीतिक और ना राजनीतिक भी नहीं होता है संवैधानिक और ना मात्र ये वाक्य सही होगा अर्थात दो और चार दो और चार विकल्प संख्या डी इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसको किनको संसद के पटल पर रखवाएंगे संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवाएंगे लोकलेखा समिति ये संसद का एक पार्ट होता है इसलिए संसद को ही ये रिपोर्ट अपना प्रस्तुत करता है इसे राष्ट्रपति की भूमिका इसमें नहीं होती है क्योंकि राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को रखता है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को जो है लोग लेखा समिति के द्वारा देखा जाता है तो पीएसी जिसको कहा जाता है पी में से इसकी रिपोर्ट को रखा जाता है और ये देखता है कि भारत सरकार के राजकोष से किस विभाग या किन योजनाओं में खर्च किए गए धनराशि की अकाउंटिंग सही नहीं है और इस पर सरकार से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसी स्थिति में ये भी वाक्य सही होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एक संवैधानिक आयोग है और इसलिए ये भी यहाँ पर सही होगा तो इस तरीके से एक तीन और चार विकल्प संख्या सी इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है साधारण बिल को तो लौटा ही सकते हैं वित्तीय बिल को नहीं लौटा सकते हैं लोकसभा को भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति इसलिए नहीं कर सकते हैं वित्तीय बिल को क्योंकि इस पर उन्होंने पूर्व में ही जो है अपनी अनुमति दे रखा है और जिसे स्वयं कोई व्यक्ति कहा हो काम करने के लिए और उसे दोबारा मना नहीं कर सकता है क्योंकि ऐसी स्थिति में एक विरोधाभास की बात होगी विरोधाभासी स्थिति पैदा हो जाएगी अगले सवाल पर हम लोग आते हैं कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो वो कार्यपालिका के द्वारा परामर्श दिया जाता है यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसे ऐसा किया जाएगा विकल्प संख्या डी इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है निश्चित तौर पर ब्रिटिश राजा से भिन्न है वाकई एक सही है क्योंकि हमने पूर्व में बताया कि वहाँ का पद सर्वोच्च पद वंश अनुगत व्यवस्था पर आधारित है जबकि भारत में सर्वोच्च पद वो निर्वाचन पर आधारित इसलिए भिन्न है ये वाक्य सही है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है वाक्य पहला तो सही है लेकिन दूसरा इस आधार पर गलत है कि अमेरिका के राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियों का उपभोग करते हैं प्रयोग करते हैं लेकिन भारत में राष्ट्रपति जो है वह केवल औपचारिक और नाम मात्र का एक संवैधानिक प्रधान होता है इसलिए वाक्य दो यहाँ पर गलत होगा एक सही और दो गलत उत्तर इसका सी विकल्प होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति संसद का भाग है डेफिनेटली ये सही है कि राष्ट्रपति संसद का भाग होता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति कानून नहीं बन सकता ये भी सही है और व्याख्या भी करता है क्योंकि वो दोनों उसके भाग है और भाग होना ही ये बताता है कि जब वो साइन करता है तो बिना साइन के वो कानून नहीं बन सकता है इसीलिए वो उसका भाग होता है तो पहले वाक्य को दूसरा वाक्य जस्टिफाई करता है तो वाक्य संख्या यहाँ पर सॉरी इसमें बी गलती से टिक हो रहा है इसका उत्तर ए होगा इसका उत्तर यहाँ पर ए जो है दिया जाएगा अब हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है वाक्य एक जो है इसका सही उत्तर है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधाई नियंत्रण से स्वतंत्र है निश्चित तौर पर यह वाक्य गलत है क्योंकि जो भी शक्तियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं वो संविधानिक व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से करती है भारत का कोई भी अंग और पदाधिकारी संविधान और कानून से ऊपर नहीं है अर्थात इसमें वाक्य एक सही है और दूसरा वाक्य गलत है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि दो अवध के लिए भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है हालांकि अगर देखा जाए तो संख्या के लिहाज से तो तीन बार भी राष्ट्रपति रहे क्योंकि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण से अगर देखा जाए तो वो उस समय भी भारत के राष्ट्रपति थे खैर स्वतंत्र भारत में वो दो बार चुने गए थे अगले सवाल पर आते हैं भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से तो चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है तो सर्वसम्मत से नीलम संजीव रेड्डी ऐसे व्यक्ति हैं जो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्वसम्मत से चुने गए थे जो निर्विरो चुने गए थे और ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे कम उम्र के जो है भी राष्ट्रपति थे अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे यही अभी जो नीलम संजीव रेड्डी थे यही ऐसे जो है राष्ट्रपति रहे हैं दार्शनिक राजा अगला राष्ट्रपतियों में दार्शनिक राजा था दा सी बात है डॉक्टर सरपल्ली राधाकृष्णन इन्होंने इंडियन फिलोसफी भी लिखी हुई है तो इससे भी ये बात सिद्ध होती है अगला है ट्रेड यूनियन आंदोलन बीबी गिरी से जुड़ा हुआ है ये जो है ट्रेड यूनियन के दो बार अध्यक्ष भी रहे हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो दो बार अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं अगले क्वेश्चन मिसाइल मैन के नाम से तो आप जान ही रहे हैं डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम हैं जो कि बहुत ही फेमस चेहरे हैं भारत के जो है ग्यारहवें राष्ट्रपति रहे हैं इससे भी सवाल संबंधित परीक्षा में पूछा गया है और ये ग्यारहवें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं बारहवें नंबर के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी जो भी सवाल पूछा गया है तो कुछ लोगों का क्रम भी आप लोगों को जानना जरूरी है संख्या और क्रमांक जानते हैं तो आगे पीछे लोगों को जोड़ करके उसका उत्तर देने में आप लोगों को आसानी होगी निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है राजेंद्र प्रसाद राधाकृष्णन जाकिर हुसैन जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर होगा क्योंकि सारे लोग राष्ट्रपति हैं और जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे तो हम लोग इस तरीके से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा असत्य है राष्ट्रपति पद के लिए पैंतीस वर्ष की आयु होना चाहिए ये वाक्य अपने आप में सही है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है ये वाक्य गलत है उपराष्ट्रपति जैसी बात राज्यसभा का सभापति बनते ही हैं और भारत का प्रथम राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद थे ही उसमें कोई बात नहीं है जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जा सकता है किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता अर्थात विकल्प संख्या सी इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अपने कार्यकाल -कार के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर है। अभी इसके पूर्व में इस पर चर्चा हुई तो इस पर पुनः जो है व्याख्या करना उचित नहीं है पहला वाक्य अपने आप में सही है कथन एक सही है दो गलत है वाक्य संख्या सी इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है जाहिर सी बात है कि वो राष्ट्रपति जब उस पर सहमति करते हैं या हस्ताक्षर करते हैं तभी वो कानून बनता है क्योंकि अनुच्छेद एक के अंतर्गत ये व्यवस्थाएँ की गई हैं कि तीन प्रकार के वन 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 तीन बार वन है तो इस तरीके से राष्ट्रपति के पास तीन प्रकार की व्यवस्थाएँ भी हो सकती हैं कि वो उस पर सहमति दे दें या पुनर्विचार के लिए भेज दें या अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं जिसे पॉकेट बीटो के नाम से जाना जाता है अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार निश्चित तौर पर इसका जो है उत्तर राष्ट्रपति होगा राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था करने और वहां पर किसी क्षेत्र को इस रूप में घोषित करने का अधिकार यहां पर दिया गया है अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं कि भारत का वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता जाहिर सी बात है कि राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है लेकिन वो राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है आपको जानकारी होना चाहिए कि राष्ट्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है अर्थात इसका सही उत्तर राष्ट्रपति होगा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था यहाँ पर ये भी सवाल पूछा गया है संविधान राज व्यवस्था के अंतर्गत यद्यपिया इतिहास का क्वेश्चन है फिर भी एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया है क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है अगले सवाल पर बढ़ते हैं एक कंसेप्चुअल है एक ऐतिहासिक क्रम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जिसमें मिलान करना है कि फखरुद्दीन अली यंग आ, संजीवा रेड्डी डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीबी गिरी जाहिर सी बात है अभी हमने पूर्व में चर्चा किया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बीबी गिरी राष्ट्रपति चुने गए हैं तो ऐसा क्रम होगा जो कि जाकिर हुसैन के बाद बीबी गिरी को प्राप्त होता है तो जाकिर हुसैन उन्नीस सौ ईस्वी में जाकिर हुसैन उन्नीस सौ ईस्वी में राष्ट्रपति बने और उनहत्तर ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई अर्थात यहाँ पर यह सही होगा और दूसरी तरफ बीबी गिरी इन्हीं के बाद चुनाव जीते थे तो जाहिर सी बात है कि उन्नीस ईस्वी में ये राष्ट्रपति बने होंगे फ़खरुद्दीन अली फकरीन अली 1974 ईस्वी में बनाए गए थे और एन संजीवर रेड्डी 1977 ईस्वी में बनाए गए थे तो यहाँ पर दो तीन चार और एक दो तीन चार और एक यानी कि विकल्प संख्या सी इसका सही उत्तर होगा हमेशा ऐसे सवालों को हल करने के दौरान आपको इस तरीके से मिलान कर लेना चाहिए और मिलान के बाद वन से शुरू करना चाहिए और चारों तक देख लेना चाहिए कि उसका क्रम क्या बन रहा है और उन विकल्पों में हम उन क्रम को खोजते हैं जिससे हम आ, उत्तर को सही कर पाते हैं तो आज के इस लेक्चर में आज के इस डिस्कशन में हम लोगों ने राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो भी बहुआयामी क्वेश्चन बन सकते हैं जिससे विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में सवाल पूछे जा सकते हैं उस पर हम लोगों ने लेक्चर लिया और विभिन्न तरीके से जो चर्चा किया उम्मीद करता हूं कि लेक्चर के बाद इन विभिन्न प्रकार के सवालों पर चर्चा करने के बाद राष्ट्रपति का टॉपिक आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा और आप लोग इस टॉपिक के साथ साथ अपने अन्य विषयों की जो है तैयारी जारी रखिए हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार